ये मैचस्टिक से और टूथपिन से जो मैंने नेल आर्ट बनाया। हाय दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल कोलकाता टू केरला में स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको नेल आर्ट के बारे में बताया था दोस्तों, जबकि अभी मेरा नेल बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप मैच स्टिक से और टूथपिन से अच्छे से नेल आर्ट कर सकते हैं। मैं आपको आज वही दिखाऊंगी कि आप इजीली कैसे टूथपिन और मैच स्टिक से भी बहुत ही सुंदर नेल आर्ट कर सकते हैं घर पर ही, बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको वही दिखाने के लिए आज दूसरा वीडियो बना रही हूँ, जो मैंने पहले आपसे वादा किया था कि मैं जरूर दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आज आपको मैं मैच स्टिक से और टूथपिन से घर पे ही आसान तरीके से नेल आर्ट पर कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने पहले से ही अपने नेल को नेल रिमूवर से साफ कर लिया है। अब मैं इस पर कलर अप्लाई करूंगी। तो आज मैं ये लाइट कलर का इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने नेल पे। आप अपने पसंद का कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, मैं ये कर रही हूँ। आप अपने ड्रेस के हिसाब से कलर चूज करके अपने इलाज कर सकते हैं। मैच स्टिक्स और टूथपिन इस तरीके से आप ले लीजिए, या तो किसी छोटे से ढकने में भी आप नेल को मतलब नेल पॉलिश को निकाल सकते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे डॉट बनाइएगा। इसी तरीके से बाकी सब में भी बना लेना।
ऊपर देखिए दोस्तों, जब ये पूरी हो जाएगी देखने में बहुत सुंदर लगेगी। अब इस तरीके से भी आप अपने पांचों उंगलियों में पांच तरह के का नेल आर्ट कर सकते हैं एक साथ, एक टुकपिन के साथ। मैच स्टिक से मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, मैच स्टिक से आप कैसे बना सकते हैं। इस तरह से मैच स्टिक को आप डिप करके कर सकते हैं, ऐसे फ्लावर फ्लावर का जो पैटर्न है वो आपके हिसाब से है, आप इसे छोटा बड़ा जैसा चाहे कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लिटिल फिंगर पे मैंने आपको थोड़ा बड़ा फ्लावर बना के दिखाया, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है इस फिंगर पे, और ये डिफरेंट स्टाइल का है ये भी, मतलब आप अब एक ही फाइव फिंगर में अलग अलग किस्म के भी ये बना सकते हैं। मैंने इसे अभी प्लेन रखा है, इसे मैं इसे दूसरा डिज़ाइन बताऊँगी आपको। चाहे तो वो मिडिल फिंगर को इस तरीके से प्लेन भी रख सकते हो स्टाइल के लिए, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। एक मैच स्टिक की सहायता से मैं फ्लावर के मिडिल में ये ऑरेंज कलर दूंगी, जो देखने में थोड़ा सुंदर लगेगी और ज़्यादा। देखिए दोस्तों, बीच बीच में थोड़ा ऑरेंज आ जाने से फ्लावर के बीच में बड़ा सुंदर लगा। आप चाहे तो मिडिल में ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं सिर्फ ऑरेंज से। ऑरेंज से ये कर लिया, अब ब्लू से सॉरी,
टू फिंगर में 5 स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने टूथपिन और मैच स्टिक से ही किया। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो मैंने किया है टूथपिन से। जो बड़े बड़े फ्लावर जो हैं, पेटल, फ्लावर के पेटल आप बड़े छोटे दोनों कर सकते हैं, जो मैंने किया है टूथपिन से। देखिए, ये जो किनारे किनारे पे जो लगे हुए हैं मैंने बाद में साफ़ कर लूँगी। उसके पहले जो मैंने आपको बताई थी, ये कॉपर नेल पेंट जो होता है ना दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो कॉपर नेल पेंट होता है, ये जो हमने जो डिज़ाइन किए हैं, इससे क्या होता है, थोड़ा सा नेल के ऊपर से जो रफनेस आते हैं ना, ये जो नेल के ऊपर, ये सूखने के बाद जब ये कॉपर नेल पेंट को हम अप्लाई करते हैं ना नेल के ऊपर, तो काफ़ी स्मूथनेस आ जाती है, ऐसे स्मूथनेस आ जाती है नेल के ऊपर। आप देखिए इस तरीके का जो मैं डिज़ाइन, देखिए ढेर, इसमें मैंने आपको 3 जो है नेल डिज़ाइन दिखाई हूँ, नेल आर्ट। एक ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, एक इस मिडिल फिंगर में जो मैं डिफरेंट की हूँ ऐसा भी कर सकते हो आप अपने 5 फिंगर में, और ये फ्लावर स्टाइल का भी कर सकते हैं, फ्लावर वाला। ये फ्लावर वाला देखने में जितना सिंपल है वो उतना देखने में, देखिए दोस्तों, अच्छा लगता है। ये देखिए, मतलब मैंने 3 नेल मेरे सूख गए हैं दोस्तों, अब मैं कॉपर नेल पेंट यूज़ कर रही हूँ, और जो किनारे किनारे पे जो लगे रहेंगे उन सबको मैं, जैसे मैंने बताया था दोस्तों पहले भी, उसे मैं पोछ लूंगी। अभी इसे थोड़ा सूखने दूंगी। देखिए दोस्तों, अच्छे लग रहे हैं ना। तो दोस्तों मेरा नेल आर्ट कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। तो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल ये मैच स्टिक से और टूथपिन से जो मैंने नेल आर्ट बनाया है, इसे आप अपने तरीके से, जो मैंने 3 नेल आर्ट बताई है आपको, ये 2 सेम है, एक तो ये है और एक मिडिल फिंगर का डिफरेंट, और ये दोनों, अब ये तीनों को अपने 5 उंगलियों पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, bye-bye.